अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे, बाहर कम जा रहे होंगे और मास्क का इस्तेमाल तो ज़रूर कर रहे होंगे और हाँ, हाथ भी बाकायदगी से धो रहे होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखते हैं आज की तारीख क्या है। तारीख माने डेट, तो डेट क्या है आज। तारीख 21/1/2021 और दिन है जुमेरात का। जुमेरात यानी थर्सडे। थर्सडे को उर्दू में कहते हैं जुमेरात। जुमेरात को हम पढ़ेंगे नाजरा। तो नाजरा में हमने पिछले सबक में क्या पढ़ा था, हदीस नंबर 2। हदीस नंबर 2 किसके बारे में थी, वो थी सलाम के बारे में। तो अब जल्दी से मुझे बता दीजिए कि आप में से किस किस ने सलाम करना शुरू कर दिया। हर किसी को, ख्वाह वो कोई गेस्ट हो यानी कि मेहमान हो या आपकी अम्मी अब्बू हो, जो भी कोई आपको मिले सामने, सबसे पहले किसी बात शुरू करने से पहले आपने क्या करना था, सलाम करना था। अब जल्दी से हाथ खड़ा करके मुझे बताइए कि क्या आपने सबको सलाम करना शुरू किया, और अगर नहीं किया तो अच्छे बच्चों की तरह ये आदत आपको अपनानी है, और जब भी आप मेरे पास क्लास में आएंगे आपने सबसे पहले आवाज़ बुलंद होके मुझे क्या कहना है, अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम कहेंगे तो आपको 10 नेकियां मिलेंगी, और अगर आपने ज़्यादा नेकियां कमानी है तो आप कहेंगे अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब हम देख लेते हैं कि जो हमारी हदीस नंबर 2 थी वो क्या थी। मीकाते दोम सफ़ा नंबर 4। इसके बाद हम देखेंगे सफ़ा नंबर 4। सफ़ा नंबर 4 पर हमारे पास मौजूद है हदीस नंबर 2। قال رسول الله صلى الله عليه وسلم यानी कि रसूल अकरम صلى الله عليه وسلم ने फरमाया, افشوا السلام بينكم। दोबारा दोहराइए, افشوا السلام بينكم। दोबारा दोहराइए, افشوا السلام افشوا السلام بينكم। दोबारा दोहराइए, अफ़शुस्सलामा। दोबारा, अफ़शुस्सलामा बैनकुम। आप इस हदीस को तोड़ तोड़ कर भी याद कर सकते हैं, जैसे कि पहले आपने लफ्ज़ याद कर लिया अफ़शुस, अफ़शुस, सलामा, सलामा, बैनकुम, बैनकुम। दोबारा दोहराइए, अफ़शुस्सलामा बैनकुम। इसके माने हैं आपस में सलाम फैलाओ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सलाम करने से कितनी सारी नेकियां अल्लाह ताला हमें दे देते हैं। तो जब आप सलाम करेंगे किसी को तो आपको नेकियां मिलेंगी। पहली बात तो आपको सलाम करने की नेकी मिलेगी। दूसरी नेकी आपको क्यों मिलेगी कि आपने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की हदीस को अपनाया, उसको फॉलो किया, यानी कि डबल सवाब मिलेगा। कितनी अच्छी बात है ना। चलिए आप इसको अब अच्छी तरह से याद कर कीजिए और सलाम को अपनाइए। सलाम करें, सबको सलाम करें जो जो आपसे मिले। और जब आप स्कूल आएंगे तो मैं आपसे पूछूंगी कि किस किस ने सलाम करना सीखा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।